YouTube लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। करियर संबंधी जानकारी के लिए आज हम जान रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज में करियर, आमदनी, कोर्स, संभावनाएं, अवसर। आज के वैश्वीकरण के दौर में एक दूसरे से संवाद कायम करने के लिए एक से अधिक भाषाएं जानने वालों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत जैसे देशों में, जो कि पूरी दुनिया में विभिन्न कंपनियों को अपनी सेवाएं दे रहा है, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। किसी भी एक भाषा में दक्षता हासिल होने पर अच्छी जॉब में सहायक हो सकती है। अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान हो तो करियर की दौड़ में ये आपको भीड़ से बहुत आगे निकाल देता है। किसी नए अनजान देश या प्रदेश में जाने पर आपकी पहली समस्या संवाद की आती है। स्थानीय लोगों से बातचीत और काम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक समूह या कंपनी के स्तर पर भी ये समस्या वैसे ही बनी रहती है, जिसका एक ही इलाज है, स्थान विशेष की भाषा का ज्ञान। ऐसे में वैश्वीकरण भौगोलिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक दूरियों को कम करने के लिए विदेशी भाषा के जानकारों की मांग उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। एक या दो विदेशी भाषाओं पर गहरी पकड़ बनाने के बाद आप मनोरंजन, टूरिज्म, एविएशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, दूतावास, डिप्लोमेटिक सर्विस, पत्रकारिता एवं जनसंपर्क, शिक्षण संस्थान, प्रकाशन संस्थान और BPO वगैरह के क्षेत्र में करियर की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ आप बतौर अनुवादक, दुभाषिया, कंटेंट राइटर, ट्रांसक्रिप्टर आदि का काम कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इसे पार्ट टाइम जॉब के तौर पर भी अपना सकते हैं। अगर आप में योग्यता है तो कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज में मुख्यतः तीन प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पार्ट टाइम कोर्स हैं और कई विश्वविद्यालयों और प्राइवेट संस्थानों द्वारा करवाए जाते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं होती है, जबकि डिप्लोमा के लिए उस भाषा में सर्टिफिकेट जरूरी होता है। इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्स 5 वर्षीय होता है, जिसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा आप विदेशी भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री, MPhil और PhD भी कर सकते हैं। विदेशी भाषाओं में चाइनीज, जापानी, स्पैनिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, कोरियन, अरेबिक और इटालियन भाषा की ज़्यादा मांग है। विदेशी भाषा सीखने के बाद आप ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर के रूप में फ्रीलांस तो काम कर ही सकते हैं, साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सरकारी विभागों, दूतावासों आदि में स्थायी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। UNO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए काफ़ी जॉब्स हैं। इसके अलावा पर्यटन और होटल इंडस्ट्री में भी अनगिनत अवसर हैं। अनुवादक का काम पब्लिशिंग हाउस, रिसर्च, सरकारी संस्थानों, विदेशी मंत्रालय और दूतावासों में होता है। इसके अलावा भारत में अभी लैंग्वेज टीचर्स की भारी कमी है, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, जिसके लिए भारी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अगर आंकड़ों की बात माने तो अगले साल के अंत तक दिल्ली में होने वाले कार्यों में विदेशी भाषा के जानकारों के लिए अच्छी संभावना है। यह कमाई का कोई निश्चित सीमा नहीं है, क्योंकि यह काम के स्वरूप और जगह पर निर्भर करता है। बतौर अनुवादक आपको 100-150 रुपये प्रति पेज और बतौर दुभाषिया 200-500 रुपये प्रति घंटे की आय हो सकती है। एक अच्छा दुभाषिया 2000-4000 रुपये प्रति घंटा तक भी कमा सकता है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देना रखना जरूरी है कि किसी भाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत, अध्ययन और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए धैर्य और निरंतरता बेहद जरूरी है।